हमारा, हमें ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, तो देखिए ए हमारा है 3121, तो हमें ए स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए इंटू ए 3121 इंटू 3121 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक, और ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर को हम रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। और ये कितना हो जाएगा, ये 11483 प्लस ए इंटू, ए की वैल्यू है 3121 प्लस बी इंटू, और आइडेंटिटी है हमारी 1001 इज इक्वल टू, और इस 0 को मैं लिख सकता हूं नल मैट्रिक्स लिख सकता हूं इसे, और नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। अब देखिए 11483 प्लस, अब ये जो ए है ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3a 2a a a, प्लस ये कितना हो जाएगा b 0 0 b इज इक्वल टू 0000। और ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b एंड 8 प्लस 2a, और ये हो जाएगा 4 प्लस a, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 0000। तो अब देखिए, अब हम यहां से हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, चाहे यहां से ले लें चाहे यहां से ले लें, हमें a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 4 प्लस a इज इक्वल टू कितना है, 0, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू भी कितना है, 0 है। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहां से सॉल्व करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी 1। a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 1, ये हमारे क्या है आंसर।